अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ बोहर एटॉमिक थ्योरी। बिफोर डिस्कस बोहर एटॉमिक थ्योरी, आई विल डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बेस अपॉन द बोहर एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट डिफैक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इन टू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने कहा कि एटम में जो से इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। जब वो कंटिन्यूसली एमिट करते जाएंगे अपनी एनर्जी को, तो एट द एंड वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सेकेंड उसका डिफेक्ट ये था कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को मीट कर रहे हैं, तो उसे चाहिए कि वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनाए। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा दे रहा है, वो लाइन स्पेक्ट्रम, जो सा हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। इन दो डिफेक्ट्स को बेस रखते हुए बहुत